हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि इंजन और चेसिस को कलर किया था और जंपर अब रिपेयर करा लेंगे और इसमें ऑयल सील और ऑयल डला लेंगे। तो एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। जंपर रेडी है, भर के वो ले जाके फिटिंग करेंगे जंपर को। मडगार्ड और टायर फिट हो जाने के बाद फिर इंजन को चेसिस में फिट कर लेंगे। इंजन फिटिंग हो जाने के बाद फिर जो छोटा मोटा काम है वो जैसे कि चैन टाइट करने का और वायरिंग, हैंडल बार, स्विच वो सब फिटिंग कर लेंगे और बाद में इसको स्टार्ट करेंगे बाइक को। कार्बोरेटर फिटिंग हो जाने के बाद फिर उस एक्सीलेटर वायर लगा देंगे और एक्सीलेटर वायर लग जाए। रॉयल एनफील्ड का इलेक्ट्रा मॉडल का 350 का टैंक फिट कर लेंगे और लुक वाइज में भी ये थोड़ा बेटर लगा, इसीलिए रॉयल एनफील्ड का। टैंक भी परफेक्ट फिट हो जाता है इसमें और लुक भी अच्छा आता है। आगे का मडगार्ड कैपेरी टाइप कटिंग करके फिट कर देंगे। अभी थोड़ा फिनिशिंग बाकी है इसके लिए। मडगार्ड अभी टेम्परेरी लगाया है। सीट को साइड के हिसाब से कट कर लेंगे गोल राउंड शेप में। और सीट कट हो जाने के बाद फिर एग्जॉस्ट को वेल्डिंग करा लेंगे बैंड पाइप में। ये एक्रापॉय का एग्जॉस्ट है और इसमें भी टिपी कलर आता है जिसे मॉफलर बोलते हैं। टिपी कलर निकल जाए तो फिर लाउड हो जाएगा एग्जॉस्ट और टिपी कलर के साथ में थोड़ा बेस आवाज आता है।
कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये एग्जॉस्ट की स्प्रिंग का क्लैंप है। वेल्डिंग हो जाने के बाद फिर साउंड चेक करेंगे कि कैसा आता है साउंड। आपको वीडियो में ऐसा लगा कि साउंड थोड़ा कम है, पर वाकई में वो बहुत लाउड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।